चली गई थी तू? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ समझी। सुमुयान को पता है इसके बारे में? तुम दोनों में झगड़ा हुआ है? जोई फांग कौन है ये? मैं हूँ, यही मेरा असली नाम है। सू फैमिली में अडॉप्ट होने से पहले मेरा नाम जुई फंग था। मैं फिर से वही बनना चाहती हूँ। ओह माय गॉड, इसके पीछे कोई कहानी है क्या? तुम कह रही हो सू फैमिली ने तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट करवाया? पर ये स्टोरी तो किसी मूवी की लगती है। अच्छा होता अगर ये सच नहीं होता। और ये बात तुम्हें ओयांग शिनशी से पता चली है, सही कहा ना? पता नहीं क्यों पर मुझे इस लड़की के इरादे सही नहीं लगते। एक्चुअली मुझे भी यही लगता है, लेकिन ये सीरियस मैटर है, वो झूठ तो नहीं बोलेगी। तुम कुछ ज्यादा ही दया दिखा रही हो। आर्ट कॉम्पिटिशन के बारे में सोचो, तब क्या हुआ था? उसके पीछे शाओशिंग ही तो थी। अरे कहाँ रह गई थी, फाइनली तुम आ गई। पर कंपटीशन तो आधे घंटे बाद शुरू होगी ना। तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई है। चलो चलो बैग दो तुम्हारा। मुझे भी कुछ गलत लग रहा था। सही कहा, और स्नोबॉल के साथ जो हुआ वो कोई ऐसा वैसा हादसा नहीं था, उसने वो जानबूझकर किया था। मुझे यकीन है अचानक से वो तुम्हारे करीब क्यों आ रही है। सभी को तुम पर बहुत विश्वास है, तुमने बहुत कुछ सहा है। क्योंकि तुम बहुत दयालु हो और हमेशा दूसरों के बारे में सोचती रहती हो। देखो उसके इरादे मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है सुमुयान को तुम्हारी चिंता है? वो सिर्फ अपने पेरेंट्स को बचा रहा है। तुम्हें क्या लगता है ओयांग यू कौन है? वो मेरा अपना भाई है। तुम्हें लगता है वो एक अच्छी लड़की है, पर असल में वो एक शैतान है। शुक्रिया, चिंता मत करो, अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। शॉपिंग, इतने दिन कहाँ थी तुम? मैं ठीक हूँ। शाओयन तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा है, कई दिनों से खाया पिया नहीं है। मुझे डर लग रहा है, उससे बात कर लेना। मूवी की शुरुआत मिस हो जाएगी। प्लीज ना। रुक जाओ जरा। थोड़ी देर रुक जाओ। वैसे भी मुझे कुछ काम है। अरे शायुन, मैंने शाओफेंग को देखा। सर मुझे जाना होगा, आज मुझे छुट्टी चाहिए। जी सर। क्या आपने किसी लंबे बाल वाली लड़की को देखा? अच्छा लंबे बाल, हाँ वो अभी इस तरफ आगे से निकले हैं। थैंक्स। कोई बात नहीं। शाओफेंग, बहुत दिनों के बाद। लेडीन, तुम वापस कब आए? क्या तुम ठीक हो?
मैं आखिरकार वापस आ गया, तुमने मुझे मिस नहीं किया? मुश्किल रहा होगा ना? मुझे सब पता है। थोड़ा रास्ता दीजिए, बाजू हटिए, धीरे से रखिए। इस तरह क्या तुम इधर रह रही हो? वो ये बस कुछ ही वक्त के लिए है। वैसे मुझे एक नई जगह मिल गई है। वो किधर है? क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? तुम इस सब के बारे में मत सोचो, वो जगह इससे तो अच्छी है। वो आजकल मुझे भूखी नहीं लगती तो मैं बस नूडल्स बना लेती हूँ। तुम्हारा प्लान क्या है? मैं एक साइकोलॉजिस्ट को जानता हूँ जो हिप्नोसिस में स्पेशलाइज्ड है, वो तुम्हारी मेमोरीज रिकवर कर देगा। लेकिन उसमें बहुत पैसे लगेंगे, अभी मैं अपना पेट भर पाऊँ वही काफी है। मैं मदद करूँगा। थैंक यू, लेकिन मैं किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहती। अगर तुम्हें सच में हेल्प करनी है तो वो कचरा बाहर रखो, और तुम्हारे आने की खुशी में हम बाहर जाएंगे। दो इधर। चलो। ये लो, टेस्ट करो, ये मैंने बनाया है। वो फीका तुम्हारा और तीखा मेरा। ठीक है। अच्छा है। ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है। इस सॉस का नाम है। अच्छा, तो सुमुयोन मेरा खाना खराब ना करे इसलिए मैंने एक नाम सोचा है। उसे पॉइजन कहते हैं। ए, इस सॉस को क्या कहते हैं? नहीं, कुछ नहीं। तो अब तुम कैसे हो? जब मैंने पहले पूछा था तब तुम ठीक नहीं लगे। मैं ठीक हूँ। देखो, मैं मेडिकल कर रही हूँ और तुम्हारी इस बीमारी के बारे में मुझे ज्यादा पता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ठीक नहीं हो सकता, बस एक ही तरीका है, हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। डॉक्टर ने भी कहा है कि मेरी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, वैसे भी दूसरा हार्ट मिलने तक मैं जिंदा नहीं रह सकता। बिल्कुल नहीं, तुम ट्रीटमेंट कंटिन्यू करो। अगर मैं वापस भी गया तो बस मेरे मन के शांति के लिए। तुमने तो सब पढ़ा है, तुम्हें तो पता होगा। लेकिन तुम्हें जिंदा रखने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी। फिर मैं अपनी जिंदगी तुम्हें सौंपता हूँ।